बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपके इन मूल्यवान शब्दों के लिए। गुजरात देश का एक ऐसा मॉडल स्टेट है जो हर दिन प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात में बनाई गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी तथा यहां के बिजनेस फ्रेंडली वातावरण ने हमेशा से छोटे व बड़े उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गुजरात इस मंत्र को साकार कर रहे गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र पटेल जी को अब हम सादर आमंत्रित करते हैं आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एंड एयरबस द्वारा आयोजित C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के भूमि पूजन समारोह में हमारे सबके साथ मंच पर विराजमान आधुनिक भारत के स्वप्नद्रष्टा वैश्विक नेता विकास पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी साहब, राज्य के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिराज सिंधिया जी, टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन जी, एयरबस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर श्री क्रिश्चियन सेरेलर, उद्योग जगत के सभी अग्रिम निर्माता, उपस्थित अधिकारीगण, आमंत्रित सभी गणमान्य अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्रों, सबको मेरा नमस्कार। गुजरात की इस धरा पर मैं आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गुजरात आज विकास के हर क्षेत्र में देश का रोल मॉडल है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अविरत प्रयासों और उनकी विजनरी लीडरशिप का ही परिणाम है। बीते दशकों में गुजरात ने उद्योग, कृषि, सामाजिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के विकास में जो अग्रिम स्थान बनाया है, उसमें भी श्री नरेंद्र भाई मोदी का गुजरात के विकास के लिए समर्पित भाव, परिश्रम और सबका साथ सबका विकास की भावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उस वक्त गुजरात भीषण भूकंप की तबाही को झेलकर उनमें से उभरने की कोशिश में लगा हुआ था। जनसेवा, विकास और नवनिर्माण की तपस्या के फल स्वरूप गुजरात फिर से खड़ा हुआ और देश का आर्थिक और औद्योगिक केंद्र बनने की ओर दौड़ पड़ा। गुजरात ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की नई परंपरा शुरू कर विश्व समक्ष गुजरात की क्षमताओं को उजागर किया। राज्य के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन जैसे बुनियादी क्षेत्र में विकास के नए द्वार खोले गए। परिणाम स्वरूप देश और दुनिया के निवेशकारों के लिए गुजरात पसंदीदा निवेश क्षेत्र बन गया। हमें गौरव है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इस डबल इंजन सरकार के परिणाम रूप आज 8.5 लाख से भी ज्यादा एमएसएमई कार्यरत है, जबकि 20 साल पहले गुजरात में कुछ ही गिने चुने एमएसएमई ही थे। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में गुजरात ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, आईटी एंड आईटीएस पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जैसी अनेक पॉलिसीज के अमलता तथा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने राज्य में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोसिस्टम का निर्माण किया है। इसके फलस्वरूप राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर तथा स्टार्टअप को बल मिला है। गुजरात स्टार्टअप रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात ऑटो पार्ट्स, सिरामिक, डायमंड, फार्मा, केमिकल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का हब बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले सालों में
भारत सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल की है। गुजरात समेत कई राज्यों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का विकास हो रहा है। हमारे रक्षा नीतियों का यह परिणाम है कि गुजरात आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए सक्षम राज्य बना है। हाल ही में गुजरात ने भारत के प्रमुख डिफेंस एक्सपोजिशन के अब तक के सबसे बड़े इवेंट डिफेंस एक्सपो का सफल आतिथ्य भी किया है। यह एक्सपो रक्षा क्षेत्र के संबंधित उत्पादनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और गुजरात को एक अग्रणीय मैन्युफैक्चरिंग के रूप में स्थापित होने का दिशा दर्शन बना है। अब हम गुजरात को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने की दिशा में कार्यरत है। ईस्ट इंडिया C295 कार्यक्रम में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस कंपनी को द्वारा बड़ौदा में पहले बड़े मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट फाइनल असेंबली लाइन का शुरू होना गुजरात के लिए गर्व की बात है। गुजरात भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिसने 2016 से ही एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी को लागू कर दिया था। हमारी इस नीति ने डिफेंस सेक्टर के अनेक बड़े प्लेयर्स को गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षित किया है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि वाइब्रेंट समिट युवाओं की उद्यमिता एवं स्टार्टअप कल्चर के परिणाम स्वरूप आज गुजरात ग्रोथ इंजन बना है। गुजरात मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 18% योगदान और एक्सपोर्ट में लगभग 30% योगदान से 7 देश में सबसे आगे है। आने वाले समय में